Hello everyone, myself Sakshi Shinde, student of Asava Brothers Junior College, and we are going to see about Papers and Parcel Company. Papers and Parcels, which was established in July 2018 in Mumbai. और ये कंपनी एम करती है कि आने वाले कुछ सालों में इनका टर्नओवर ऑलमोस्ट 100 करोड़ तक रीच होगा। बदमाश कंपनी मूवी में जब अनुष्का शर्मा और शाहिद कपूर कॉफी लेते हैं, तब अनुष्का शर्मा कहती है कि कोई भी बिजनेस बड़ा होने के लिए सिर्फ पैसों की नहीं तो जरूरत होती है एक बड़े आइडिया की। सो यस माय डियर फ्रेंड्स, द फॉर्मेशन ऑफ पेपर्स एंड पार्सल्स टुक प्लेस विद एन आइडिया विच केम इन माइंड ऑफ तिलक मेहता। तिलक मेहता, हु इज फाउंडर ऑफ पेपर्स एंड पार्सल्स एंड हु इज जस्ट 13 ईयर ओल्ड। यस, अ 13 ईयर ओल्ड बॉय इज अ फाउंडर ऑफ पेपर्स एंड पार्सल्स। तिलक मेहता जो 8th स्टैंडर्ड में जो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, और वीकेंड्स में तिलक मेहता एक स्टूडेंट से बिजनेसमैन बन जाते हैं। वो अपनी कंपनी में जाके कंपनी के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, रिसर्च एंड एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं। तिलक मेहता बिलीव करते हैं कि एक्सक्यूजेस विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू बट अपॉर्चुनिटीज वोंट। सो पेपर्स एंड पार्सल्स का जो फॉर्मेशन की जो आइडिया है वो तिलक मेहता को आई कहाँ से? तिलक मेहता जब अपने अंकल के यहाँ गए थे और जब वो वापस आए तब उन्हें पता चला कि वो अपनी कोई तो भी बुक अपने अंकल के यहाँ ही भूल गए, और क्योंकि उनकी एग्जाम्स थी आने वाले 2 to 3 days में और उन्हें वो बुक उसी दिन जल्द से जल्द चाहिए थी। सो देन तिलक मेहता कॉल्ड हिज फादर और उनसे कहा कि आप प्लीज कोई पीयून को अंकल के यहाँ भेज के मेरी बुक वापस लाने के लिए कह दीजिए। हिज फादर सेड ओके, अगर कोई होगा तो मैं भेज दूंगा और अदरवाइज यू विल हैव टू वेट। तिलक मेहता सजेस्टेड कि क्यों ना हम कोई कुरियर सर्विस यूज कर सके ताकि मुझे मेरी बुक उसी दिन जल्द से जल्द मिल जाए। His father said, yes we can, but they will charge around 250 to 300 rupees. और आपको आपकी बुक शायद कल मिले। तिलक मेहता said, उतने में तो मुझे मेरी एक नई बुक मिल जाएगी। And that was the incident which made him to think deeply. तिलक मेहता को लगा कि मुंबई में रहके भी उसे same day pickup और same day delivery ये एक facility available नहीं है। उसे लगा कि क्यों ना किसी कंपनी बनाई जाए कि जो सेम डे पिकअप और सेम डे डिलीवरी कर सके एंड दैट टू विद अ रीजनेबल कॉस्ट। ही न्यू दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी द इजीएस्ट टास्क टू डिलीवर द कुरियर ऑन द सेम डे, बट स्टिल ही स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन इट। और वो रिसर्च के प्रोसेस में उसे ख्याल आया मुंबई के डब्बा वालाज का। मुंबई के डब्बा वालाज, ऐसा कहा जाता है कि मुंबई की जो लोकल ट्रेन है वो कभी लेट कर देगी पर डब्बा वालाज ये कभी भी लेट नहीं करेंगे। मुंबई के डब्बा वालाज जो मुंबई के अलग अलग एरियाज में डब्बाज प्रोवाइड करते हैं और प्लस वापस लेके भी आते हैं एंड दैट टू विद अ रीजनेबल कॉस्ट। तिलक मेहता को लगा कि अगर ये डब्बाज प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो कोई कुरियर सर्विस भी तो दे सकते हैं। तिलक मेहता ने कुछ एनालिस और कुछ प्लानिंग किया और ये सब उसने अपने अंकल मिस्टर घनश्याम परेख के साथ शेयर किया। मिस्टर घनश्याम परेख हु इज करंट CEO ऑफ पेपर्स एंड पार्सल्स। मिस्टर घनश्याम परेख एक बैंक में जॉब करते थे और उन्होंने तिलक की प्लानिंग सुनने के बाद ही टुक ऑल दोस थिंग्स सो सीरियसली दैट ही रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब एंड जॉइन विद तिलक मेहता। तिलक मेहता एंड मिस्टर घनश्याम परेख वो डब्बा वाला इसके साथ जाके मिले, उन्हें कन्वेंस करने की कोशिश की कि वो पेपर्स एंड पार्सल्स के साथ ज्वाइन कर ले, बट एट वेरी फर्स्ट डब्बा वाला वॉज नॉट एग्रीड टू ज्वाइन देम। द मेन रीजन वॉज तिलक मेहताज एज, बट आफ्टर दैट विद लॉट्स ऑफ एफर्ट्स and when Dabba Wallahs actually understood the necessity of same day pickup and same day delivery and how the Dabba Wallahs are going to get benefit of it, they were agreed to join them. Around 300 of the Dabba Wallahs are part of papers and parcels and 150 to 200 of its employees. Tilak Mehta ne Dabba Wallahs ke saath jaake one local train mein travel kiya, unke saath unke routes samjhe aur samjha ki ye jo puri process hai wo puri work kaise karti hai. तिलक मेहता ने कुछ एनालिसिस किया, कुछ प्लानिंग और स्ट्रेटजीज सेट की। जैसे कि ट्रेडिशनल वे में जब कोई भी पार्सल ए से बी पॉइंट तक डिलीवर करना पड़ता था तब सर्विस प्रोवाइडर को अराउंड 50 टू 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था और वो सिर्फ 2 to 3 पार्सल्स ही डिलीवर कर सकते थे। बट अकॉर्डिंग टू तिलक मेहता वॉट ही डिड वॉज ही डिवाइडेड मुंबई इंटू 63 सर्कल्स और हर एक सर्कल में कम 1 to 2 डब्बा वाला रह गए अराउंड 2 to 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। और फिर जब कोई भी पार्सल ए से बी पॉइंट तक डिलीवर करना पड़ेगा तब वो सर्कल में से पास ऑन होगा वो डेस्टिनी के रूट के तरफ। मतलब अगर कोई भी पार्सल डिलीवर करना पड़ रहा है तो वो सर्कल में से पास ऑन होगा, तो अगर वो नेक्स्ट सर्कल में फिट होता है तो वहां का सर्विस प्रोवाइडर उसे
डिलीवर कर देगा, अगर नहीं तो वो अगले सर्कल में पास ऑन होगा वो डेस्टिनी के रूट के तरफ। तो इससे होगा क्या, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जहाँ ट्रेडिशनल वे में सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ 2 to 3 पार्सल्स ही डिलीवर कर सकते थे, अकॉर्डिंग टू तिलक मेहता वो यहाँ पे 100 to 200 तक के पार्सल्स डिलीवर कर रहे हैं। और जहाँ ट्रेडिशनल वे में सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ 50 to 60 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था, अकॉर्डिंग टू तिलक मेहता उन्हें यहाँ पे सिर्फ 2 to 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ही उन्हें ट्रैवल करना, एक उनकी जो पूरी प्रोसेस है वो पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। उन्होंने पेपर्स एंड पार्सल नाम से एप्लीकेशन डेवलप किया, फिर जब भी कोई यूजर उसे यूज करेगा तब उसे वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है और उसका पिकअप और ड्रॉपअप एड्रेस डालना। इससे होगा क्या कि उसका नजदीक का जो भी सर्विस प्रोवाइडर रहेगा उसे एक नोटिफिकेशन जाएगा और फिर वो यूजर के डोरस्टेप के ऊपर आ जाएगा। बट बिफोर दैट यूजर को एक प्रायर नोटिफिकेशन आएगा विच विल बी अबाउट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड पिक्चर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर हु इज गोइंग टू कम एट हिज डोरस्टेप। और फिर जब सर्विस प्रोवाइडर जब पार्सल लेके जाएगा तब यूजर उसे कंटिन्यूअसली लाइव ट्रैक कर पाएगा। एंड देन वंस द पार्सल इज रीच, सर्विस प्रोवाइडर रिसीवर की एक डिजिटल सिग्नेचर लेगा अपने मोबाइल फोन के ऊपर एंड देन विद इन अ सेकेंड्स यूजर को एक मेल आएगा विच विल बी अ प्रूफ दैट द पार्सल इज डिलीवर सक्सेसफुली। पेपर्स एंड पार्सल्स को इकोनॉमिक टाइम्स कहते हैं दैट दे आर द मेकर्स ऑफ ओला एंड उबर ऑफ द डब्बा वालाज। तिलक मेहता ये एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन बन चुके हैं यंग एंटरप्रेनर्स के लिए। तिलक मेहता ने ये प्रूफ किया दैट एज वोंट मैटर, व्हाट मैटर इज आइडिया एंड हाउ यू कन्वर्ट इट इनटू रियलिटी। थैंक यू सो मच।